अरे बाबू बाबू, अरे अरे अरे, नहीं 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 बाबू, इतना पैर और नहीं पढ़ो, एकदम बहुत बढ़िया एकदम। सर के क्लास में हम लोग चोरी छुपते हैं, हिस्ट्री का क्लास, साइंस का क्लास पीछे बैठ के कर लिया करते थे, फी नहीं दिए थे। और आप बोले ना कि हमारा फीस नहीं दिए थे, हमें फीस नहीं चाहिए। हाँ, किसी गरीब के साथ अन्याय होते अगर उसके साथ न्याय कर दीजिएगा, हम समझेंगे मेरा फीस मिल गया, ठीक है। तो भाई लोग भी है सब इसका। अच्छा अच्छा, उस अभी पढ़ाई मन से करना, लोग ने तो थुरैबो करेगा, वो फीस दिया सो कि नहीं। आपको ऐसा मत समझिएगा कि हम बहुत, आप बहुत होशियार हैं। यहाँ आदमी चेक नहीं करता है, आंख बंद कर लेता है, इसलिए कि हमने खुद गरीबी देखा है, गरीबी क्या चीज बड़ी बेशरम होती है। कौन है बाबू? सिलेक्शन हो गया जी, ले ले दरोगा में चले, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अरे बाबू बाबू, अरे अरे अरे, नहीं 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 बाबू, इतना पैर और नहीं पड़ो, एकदम बहुत बढ़िया एकदम आशीर्वाद। देखो भाई, दरोगा हो गया इल भी, और ये भी, इसमें भी दरोगा और बीपीएससी। मिठाई लाया मेरा? हाँ, इसमें कोई कमी नहीं, बाद में आशीर्वाद देंगे, पहले मिठाई निकालते। हाँ, तुम लोग थोड़ी खाएगा, ले फोटो खींचो भाई, इसका इसका फोटो खींच दीजिए। वैसे भी भाई यहीं से हम डाल देंगे, जरा वो ले लेगा, इससे ले लीजिएगा, रख दीजिए। मिठाई खाए, चलो भाई। इसी को खिलाते, बस ज्यादा खाएंगे नहीं, थोड़ा सा। देखो आप लोग के लिए मिठाई थोड़ी मिलेगा, सब भाई आपका रिजल्ट होगा आपको मिठाई मिलेगा, रिजल्ट नहीं होगा आपको मिठाई खुद लाना पड़ेगा, हम अपना थोड़ी खा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमको मतलब मिठाई एक पेट भर के खाते हैं, लेकिन एक अपने आप में एक खुशी होता है कि आदमी इतना मेहनत करता है, गला फाड़ता है, रिजल्ट हो जाता है। चलिए बहुत बहुत खुशी हुआ आप लोग को भी, ये सब को भी कुछ बताइए, ताकि ये सब भी अपना अनुभव, क्योंकि हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि देखिए शुरुआत में कहा जाता है डॉक्टर से अच्छा तकलीफ किसको पता होता है, मरीज। तो अभी अभी ये मरीज है, बाकी अभी दरोगा बनने के बाद कितना को मरीज बनाएगा ही कोई ठीक। लेकिन देखिए बाबू, हम आपसे भी कहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर वर्दी लगे, स्टार लगे, डीएसपी बनना है, छोड़ना नहीं है दरोगा तक में, आगे जाना है उससे भी आगे। और जब बने तो कभी किसी गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा हो, एसपी से लड़ जाइएगा, समझ आ गया? बाकी तो हम आइए हैं, समझ आ गया कि नहीं यार? आप सबको जय हिंद। पीछे हमारे दोस्त हाथ हिला रहे हैं साथ में, सिलेक्शन कुछ कारण से नहीं हो सका था उन लोग का। जब हम लोग मेंस का यहाँ क्लास करते थे तो एक समय ऐसा आया था कि हम लोग डर गए थे, पता नहीं आगे क्लास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लड़कों ने नीचे बम पटक दिया था, शायद आप लोग को भी पता होगा। हम लोग इसी रूम में पैक हो गए थे डर से कि पता नहीं कहीं हम लोग जाएं कि हम लोग भी पिटा जाएं। और उसके बाद ऐसा हालात हुआ कि हम लोग का पॉलिटी खत्म हुआ, उसका तो लॉकडाउन लग गया, पर सर के क्लास में हम लोग चोरी छुपे हिस्ट्री का क्लास, साइंस का क्लास पीछे बैठ के कर लिया करते थे, फी नहीं दिए थे। उसके बाद सर इतना कुछ बता दिए थे कि लगातार होली में जो हम लोग घर से आए थे, उसके बाद लॉकडाउन लगा और कंटिन्यू डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते गया मेंस का। लास्ट में जाके 29 नवंबर को हम लोग का मेंस हुआ, और जिस अकॉर्डिंग सर बताए थे पढ़ने के लिए, बस उसी हिसाब से पढ़ते गए हम लोग। लगातार अपने लाइफ में पटना में 8 महीना एक्सटेंड करना बड़ी मुश्किल की बात थी। उस समय अक्टूबर में मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, मेरे घर से फोन आया, और मेरी मम्मी एक इंजेक्शन लेने से भी डरती है, अब भागलपुर में ऑपरेशन चल रहा था, मम्मी बोली कैसे होगा, कोई नहीं साथ में। कोशिश किया, ट्रेन भी नहीं चलती थी कि घर जाए, मम्मी फोन पे रोने लगी, लेकिन नहीं जा पाए। मम्मी बोली एग्जाम है तुम्हारा अगले मंथ, कुछ नहीं होगा, मेरी बहन, मेरे भाई, जिया जी सब थे उनके साथ, लेकिन हमको घर नहीं बुलाई मम्मी। और आज तक जितना भी हम फिट प्रैक्टिस करते थे उससे ज्यादा नंबर हमने मेंस में प्राप्त किया,
85 टू 87 के बीच में हमने मिलाया था, और जब आयोग ने हमारा रिजल्ट दिया 83 नंबर हमारा सही हुआ। और जिस टाइम हमारा रिजल्ट हुआ था कट अप 70 प्लस था, कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने सोचा रिजल्ट में इतना मार्क्स है तो क्यों ना थोड़ा पीटी पे ही मेहनत किया जाए। इतना दौड़े कि संजोग भाग ऐसा भी मिला कि उस बीच में हमको स्टेट लेवल पे हेडल रनिंग के लिए ले गया गया गांधी मैदान से कोई टीचर थे उनके थ्रू, और स्टेट लेवल पे मैंने सेकंड स्थान प्राप्त किया था 400 मीटर हेडल रनिंग में। उसके बाद उस समय मैंने किताब तो बंद ही कर दिया मेंस के बाद, सर किताब तो देखा ही नहीं कि अब पढ़ना भी है, बस सतना तक पीटी किसी तरह हो जाए। चेस्ट नहीं पूरा था मेरा, 1 सेंटीमीटर चेस्ट घट रहा था, डर था कि चेस्ट में कहीं छटा ना जाए। मैंने जिम पकड़ लिया, उसमें जिम भी किए। ठीक है सर, अरे नाम बताओ। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, बांका जिला से बिलोंग करते हैं। अरे कुछ नहीं। यहाँ आपको संस्था का जो पर्सनल हेल्पलाइन है सब आपको दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, और गरीब के लिए हमेशा खड़े रहना है। समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक है चलो। और आप बोले ना कि हमारा आप फीस नहीं दिए थे, हमें फीस नहीं चाहिए। हाँ, किसी गरीब के साथ अन्याय होते अगर उसके साथ न्याय कर दीजिएगा, हम समझेंगे मेरा फीस मिल गया। ठीक है। अच्छा भाई लोग भी है सब इसका? अच्छा, उस अभी पढ़ाई मन से करना लोग नहीं तो थुरैबो करेगा, वो फीस दिया सब कि नहीं? चलो हमारे पास से कभी भी भाव देखो, फीस एक सेकेंडरी चीज होती है। फीस लेना दो कारण से बनता है। पहला कि भाई एक कोचिंग को रन करने के लिए एक खुद के बहुत बड़े एक्सपेंस की जरूरत पड़े। इसका आप इतने छोटा सा लॉज में रहते हो कि कितना खर्चा आता है, सोचिए ना इतना का कितना आएगा, बहुत काफी आ जाते हैं सर। और ये दूसरा कारण यह है कि अगर आपसे फीस नहीं लिया जाएगा आप पढ़ाई को मजाक बना देंगे। लेकिन बहुत से कभी भी ये चीज नहीं हो सकता है कि फीस की कमी से खान जीएस से कोई लड़का वापस भेज दिया जाए। उसके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, वो पढ़ेगा, रिजल्ट लेगा वहां पे। लेकिन हाँ, ईमानदारी ये अच्छा लगता है कि लड़के भी आके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा पता नहीं चलता कि दिया है कि नहीं दिया है। आपको ऐसा मत समझिएगा कि आप बहुत होशियार हैं। यहाँ आदमी चेक नहीं करता है, आंख बंद कर लेता है, इसलिए कि हमने खुद गरीबी देखा है। गरीबी क्या चीज, बड़ी बेशरम होती है गरीबी, इतना बेशरम दुनिया का कोई चीज नहीं है। उम्र का भी लिहाज नहीं करती है, दो दो साल के बच्चों को रुला देती है, इससे बड़ा बेशरम कुछ नहीं है। वरना जिस दिन कांच चेक करने लगेगा उस दिन कहां कोई घुस पाएगा। लेकिन कहते कि नहीं भाई, किसी के यहाँ पे भी मान के चलिए अगर रिजल्ट हो जाता है इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। लड़की सबको नहीं आती इसे डरे यहां। कहां गए जी? मिठाई लड़की सब का भी होता है, वो भी आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंजूस होती है, आधा इवे नहीं करती है। एक ठोका क्या जी? यहाँ बहुत लड़कियों का हुआ है, बस बता देती है सर बहुत धन्यवाद सर आपका आशीर्वाद हो गया। हम कहीं मिठाई 1 किलो मिठाई में तो रहे हैं, अरे कम से कम कोरियर कर दो। और वही सबका प्रमोशन नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यही सब का क्या होगा, परमिशन नहीं होगा, फंसेगा सर तो फिर कहेंगे हम ले लेते हैं मिठाई कहीं ना कहीं, कहीं कोनो काम अटके उठकेगा, कहीं सर जी दिक्कत हो गया है, लिया मिठाई लो तुम्हारे सब। चलो वो आगे समझते हैं। आप लोग भी पढ़िए, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़िए, इसी के कोचिंग में यही पढ़ रहा था तो बम पटकाया था, कह रहा ना कि पता नहीं हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे भाई जिस दिन बम पटकाया था ना उस दिन का माहौल देखते, तब तो ऑफिस पे धुआं धुआं कर दिया था बम मार के, हमको लग रहा था पटना में नहीं बॉर्डर पे पढ़ा रहे हैं। सब लड़का लड़की सब डर गया। दो रीजन था, पहले हमको भी लग गया था कि भाई इस तरह से कोचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन बाद में लड़कों का हिम्मत देखे तब कहेंगे ना कोचिंग दौड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब